इंदौर शहर के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विद्युत वितरण कंपनी के नए एमडी विकास नरवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों के बीच विद्युत विभाग की कई जानकारियां और योजनाएं साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में बिजली के जोन स्तर पर अब नगद राशि जमा करने की बजाय ऑनलाइन कैशलेस पेमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही बिजली की अन्य बेहतर सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर और देहात में हर घर में मीटर लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है और आने वाले समय में तकनीक के साथ बेहतर बिजली उपभोक्ताओं को पहुंचाने के लिए विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। इस अवसर पर सुभद्रो राय, गजरा मेहता समेत अन्य अधिकारी भी प्रमुख रूप से शामिल थे। उसमें हमारे 11 केवी फीडर पे जो सप्लाई आवर्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक फीडर के अमूमन जो है कि 23 घंटे 50 मिनट से लेकर के 23 घंटे 58 मिनट तक के चल रहे हैं और एग्रीकल्चर फीडर पे 9 घंटे 45 मिनट से लेकर के 9 घंटे 55 मिनट तक के चल रहे हैं। जो पावर कट का जो बिजली सरप्लस है, बिजली की कहीं कोई कमी नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा शेड्यूल्ड पावर कट होता है, एक हमारा अनशेड्यूल्ड पावर कट होता है। तो अनशेड्यूल्ड पावर कट के जो घंटे हैं जैसे हमने देखा तो सारे टोटल मिलाकर के पूरे रीजन में वो मुश्किल से जो है कि टोटल घंटे जो है कि 250-300 घंटे बनते हैं अनशेड्यूल्ड के। जब उसको मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, एक या दो मिनट की औसत उसको प्रभावित करता हूँ, तो 24 घंटे से एक मिनट कम होता है। शेड्यूल्ड पावर कट्स जो है कि हमारे चूँकि आगे बारिश का सीज़न आने वाला है, आगे आपको भी मालूम होगा कि बहुत सारे जो है फॉल्ट्स होते हैं जिसको हम जो है कि रोकने में जो है कि असफल रहते हैं, तो शेड्यूल्ड पावर कट हमें करने पड़ते हैं। एक तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, दूसरे हमारे प्रोजेक्ट्स उसमें चल रहे हैं, जैसे सिटी में आपके यहाँ पे जो लाइन स्ट्रेंथनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कारण को शेड्यूल्ड पावर कट्स करने पड़ते हैं। बट शेड्यूल्ड पावर कट का एक सिस्टम जो है कि गवर्नमेंट ने तय किया है कि उसकी एटलीस्ट 24 घंटे पहले, है ना, 24 घंटे का है, एटलीस्ट 24 घंटे पहले सूचना आपको जो है कि आम पेपर में पब्लिक रिपब्लिक के अखबार माध्यम से उसको पब्लिश करना होता है। तो मेरा मानना ये है कि पावर की कोई कमी नहीं है, हमारे जो शेड्यूल्ड पावर कट्स हैं वो हम मिनिमम पे इस टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, भले ही जो है कि हमारा जो है कि मेंटेनेंस उससे जो है 10-20% प्रभावित हो रहा है, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स बहुत कम हैं। इशू क्या हो रहा है, इशू ये हो रहा है कि जो कंज्यूमर्स इफेक्ट हो रहे हैं, अगर वो एक बार होते हैं से महीने में तो वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में आएगा, लेकिन अगर किसी एरिया में बार बार हो रहा है तो वो हमारी कमी। तो अगर आप कोई ऐसे एरियाज हमें बताएंगे कि जहाँ पे बार बार फ्रिक्वेंट पावर कट्स हुए हैं तो डेफिनेटली हम उस पर जाँच करेंगे और ऐसी स्थिति कहीं पर भी निर्मित हम नहीं करेंगे। जहाँ तक आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रश्न है, उनके जो भी सेफ्टी गियर्स हैं, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए, या जो उनके जो रिगिंग इक्विपमेंट्स हो गए जो उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स हम उन्हें मुहैया कराएंगे। कोई भी कर्मचारी अनसेफ एनवायरनमेंट में काम नहीं करे, इंश्योर हम करेंगे। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है उनकी ट्रेनिंग करने का, तो सभी कर्मचारियों को प्रॉपरली जिस जो काम उनसे लिया जा रहा है उसके लिए ट्रेन किया जाएगा। और जहाँ तक सैलरी स्ट्रक्चर का सवाल है, तो सैलरी स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली, अगर कोई स्किल्ड बंदा है तो उसको स्किल्ड मैन पावर के सेट से वेतन दिया जाएगा, जो अनस्किल्ड है उसको अनस्किल्ड के सेट से दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी जो है विचार पॉलिसी लेवल पे चल रहा है। बिल्कुल, जो है कि आपका चूँकि हमारा प्रदेश हिंदी भाषी है तो हिंदी में बिल का विकल्प उपभोक्ता को मिलना चाहिए। हम प्रयास ये करेंगे हिंदी या इंग्लिश दोनों प्रकार के लैंग्वेज में उसे बिल प्राप्त हो सके जैसा वो चाहे। देखिए, कैशलेस तो हमारा जो है एक ड्राइव चल ही रहा है, पूरा सिस्टम हम ऑनलाइन कलेक्शन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। साथ साथ जो हमारी जितनी भी प्रकार की सर्विसेज हैं उन सबको ऑटोमेट करना, डिजिटलाइज करना,
और सही समय में, सही सीमा में और सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करना, यही मूलभूत से हमारा लक्ष्य रहेगा। बीच में एक बार गई थी यार, पिछले साल नहीं, दो साल पहले गई थी पिछले सरकार। कंपनी को प्रॉफिट में लाना तो निश्चित रूप से जो है कि एक हमारी टॉप प्रायोरिटी में से एक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी नेक्स्ट शुरू होने वाला है, इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कंपनी इस बार प्रॉफिट में आए।